नंबर वन ड्राइवर शो ये, विश्व में पहली बार ऑफरम बच्चों को हम लोग बॉलीवुड तक पहुँचाए और प्रत्येक रविवार 8:30 PM शो आ रहा है। और सीजन थर्ड है, इसमें ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट किए, कैलिफोर्निया नेपाल से बच्चे इसके अंदर आए हैं। इसका ऑडिशन सारा डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हुआ है, धीरे में लंबी लंबी लाइन के कारण बहुत अच्छा शो जा रहा है, क्या चीज़ अच्छी जा रही है। कुछ बच्चे भी हमारे बीच आए हुए हैं हाउस से बॉलीवुड में गए, क्योंकि सोच बदलना बहुत इम्पोर्टेंस लोगों का। दो ही सेक्टर ऐसा एक स्पोर्ट्स और दूसरा बॉलीवुड, जहाँ पर कम एज के बच्चे अपने घरों को खड़ा हो सकते हैं। स्पोर्ट्स में तेज ग्रुप होता है बट बॉलीवुड में एज ग्रुप नहीं होता, उसी को सोच बदलते हुए शो को बनाया। और हमारे सतमोला कंपनी के CMD हैं अनिल मित्तल जी, जो ऑलरेडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोजेक्ट से साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े भाई की तरह कविता मिश्रा जी जानते होंगे, दिया वाती ये भाई दली जी हैं, युवा फोर्स के ऑनर है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए अपना जमीन तक दान में दे दिया गवर्नमेंट को। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये दिल्ली से है जिसमें एक्टिंग कर रहा है, हर संडे संडे आता है। दीप प्रभा बिहार से, ये ऑर्फन हाउस से निशान जो शो में आ रहा है। तो मैंने ऑल इंडिया लेवल पर ऑडिशन लिया था ऑर्फन हाउस जाकर, उनको लैपटॉप के फॉर्म भरना सिखाया था, बम्बे जाकर टेनिंग क्लास दी थी उनको, उनको लेके मैं आया हूँ जो बीच में पहली बार को डायरेक्टर नहीं किया। अब वो जल्द सीजन 4 भी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जूनियर वर्सेज सीनियर लेके आ रहे हैं। मोबाइल से वीडियो बना के आप यूट्यूब पर डाल के हमें लिंक्स भेजते थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को पार्टिसिपेट तो दिल्ली से 14 लाख बच्चे किए थे जी, 4 बच्चे ऑल इंडिया से किए थे पार्टिसिपेट। शो पूरा बन चुका है, टेलीकास्ट स्टार्ट है 24 चैनल पर, इसके 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, आई अगस्त तक शो चलेगा। इंडिया से बाहर भी लाखों बच्चे थे, नेपाल से थे, कैलिफोर्निया से, इटली से थे, ऑनलाइन से फॉर्म भरे थे, कुछ बच्चे आए भी, उसके बाद अंडमान निकोबार से थे, आसाम से, मतलब 16 स्टेट के बच्चे इंडिया से थे, इंडिया से बाहर के बच्चे थे। जो इसके लास्ट सीजन के बच्चे थे ना, वो उनको मैं हिंदी पिक्चर फिल्म दिया था, मैं खुद फिल्म बनाता हूँ, हिंदी पिक्चर फिल्म टीवी सीरियल बनाता हूँ, उनको मैं काम दिया था। इसी हॉल के अंदर हमारी मूवी का सलेबिया ने पीसी किए थे, 30 मिनट मूवी, सारे जितने भी आर्टिस्ट 30 मिनट मूवी का, सारे बच्चे नंबर डांस बातचीत हुई आगे बढ़े थे। इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, बाकी हमने ऑल इंडिया लेवल पर ऑडिशन लिए थे। बहुत ऑनर्स होती है गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के बिना आप नहीं कर सकते, और जा के बाबा जाना, मिलना, सुनाना, अपने सपने को बढ़ाना। हम पूछते थे बेटा तुम्हें क्या बनना है, उनको पता ही नहीं मुझे बड़ा क्या बनना है, हम कहीं 18 साल 17 साल 16 साल तो दिमाग दिया मैंने, कुछ करके दिखाओ, बन के दिखाओ, ट्रेनिंग क्लास दी, बॉम्बे ले गए हमको प्रॉपर, वहाँ मट में हमने फॉर्म हाउस किया, वहाँ पर पूरा ग्रूमिंग क्लास दिया हमने बच्चों को, फिर हमने फिल्म सिटी में सेट लगाया, बहुत बड़ा सेटअप लगाया, इसी एंगल से शो का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिस करवाए, ट्रेनिंग क्लास दिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किए, उनको जैसा सारा कुछ मैनेजमेंट किया था। बॉम्बे में हम लोग अच्छा तरीके से उनको प्रॉपर समझाया था, बॉम्बे में PR पार्टी रखा था 5 होटल्स के अंदर, वहाँ पर ले आया, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई किया, सेलिब्रिटी मीट्स करवाए कि कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, हमें कैसे बैठना होगा, स्टेज पर ले गए, मतलब उनको दिमाग में निकल चुका था कि हम ऑर्फन हैं। और साथ में उन बच्चों को भी रखे थे साथ में जो नॉर्मल बच्चे थे, उनके माँ बाप भी थे। शुरू में झगड़ा बहुत किए उन्होंने हर चीज़ को लेकर, बट बाद में सब मिल गए, सब भूल गए कि हम कौन कहाँ से आए हैं। इस शो का मकसद क्या है, क्या ऑर्फन बच्चों को प्रमोट करना है, क्या सोच बदलना है, सोच बदलना है कि रियलिटी शो मतलब रियल में आप
उन लोगों को आप मोटिवेट करो जिनको जरूरत है भविष्य बदलना हमारे समाज। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया ईश्वर देव ने आइडिया है। इसके पहले भी मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन्स फाइट्स अगेंस्ट क्राइम, एक्सीडेंट एक्ट पर कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं। तो ऑलवेज ऐसे ही काम करते हैं। अब जो हिंदी फीचर फिल्म बना रहे हम, उसका नाम इंसुरेंस है, वो भ्रूण हत्या के ऊपर, उसमें उन लोगों को ले रहे हैं जो हमारे देश के सोल्जर्स जो शहीद हो गए, फैमिलीज को हम लोग मोटिवेट करके उनको ले रहे हैं। टारगेट क्या है आपका? सोच बदलना, लोगों को एक सही मैसेज देना। आज बॉलीवुड के अंदर यात्री के लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी कुछ बनाते हैं। हम भारत माँ के बच्चे हैं, हम पहले माँ के संस्कार और संस्कृति को दिखाते हैं ना, उस चीज़ को हम सोच बॉलीवुड को सोच बदल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि ऑर्फन बच्चों को पहले पढ़ाओ। इंडिया में पता होना चाहिए कि एक दो बच्चे नहीं है, करोड़ों बच्चे हैं। अब करोड़ों बच्चे में से 80% लड़कियाँ हमारी बेटियाँ हैं, तो उनको बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र की बड़ी सोच किसी के पास नहीं है। जैसे हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें नाचने का गाने का कलाकार बनने का शौक होता है, हम सब उनको मोटिवेट करते हैं, चाहे धन से चाहे मॉरल सपोर्ट से, लेकिन उन बच्चों को कोई भी सपोर्ट देने के लिए नहीं होता। और आई थिंक ये जो सोच है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, सिर्फ उन बच्चों में आत्मविश्वास जगाना है कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो। क्योंकि ऐसे बच्चों को जिनका कोई मोटिव नहीं होता है, वो गलत रास्तों पे बहुत जल्दी जा सकते हैं, वो जो कि हमारा भविष्य भी ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज का जो डिवाइडेशन होती है वो सिर्फ इसी बात है कि या तो धन है, धनी लोग हैं, या फिर लेस फॉर्चुनेट कह सकते हैं उन लोगों को, और इस बात को आगे धकेल दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं करना चाहता। और आई थिंक मैं विजय भारद्वाज जी और उनकी वाइफ का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह का एक शो बनाया, इतना एफर्ट कराया, एंड रिस्पेक्टेड पीपल जिन्होंने इनका सपोर्ट करा, हम सब ने, ताकि आगे चल के इन बच्चों को एक अच्छा उज्ज्वल भविष्य मिल सके, वो कुछ आगे बन सके। डॉक्टर, इंजीनियर और सीए सब बनाना चाहते अपने बच्चों को, कलाकार भी एक चीज़ होती है और इनका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है। और आई थिंक जो ये छोटा बच्चा है ये बहुत बढ़िया एक्टर है, जिसको हमने ट्रेनिंग दी, इसको बहुत आगे तक लेके गए। इस लड़के में अब इतना कॉन्फिडेंस है कि ये और 10 साल में ये सुपरस्टार बनने लायक है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, आपके देखिए, हम सबको अपने अपने घरों में सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। हम सब माएँ हैं, हम सबको अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को ये बताना पड़ेगा कि एक औरत की इज्जत क्या होती है, एक रिस्पेक्ट अपनी धरती माँ की और एक लड़की की। अगर हम सब औरतें अपने घर में ही अपने बच्चों को, लड़कों को ट्रेन करें या ये समझाएं वैल्यू ऑफ फीमेल, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और यही हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जी की जो नेक्स्ट फिल्म है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ये दर्शाई जाएंगी, और मैं आशा करती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारे शो को, नंबर वन ड्रामे बाज को बहुत ज़्यादा सफलता मिले, ताकि इस चीज़ को हाईलाइटेशन मिले। लोग निजी तौर पर चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन इसमें एफर्ट करें, क्योंकि ये समाज सुधारने का भी एक मोटिव है, फिलैंथ्रोपी जिसे कह सकते हैं। बच्चों को उठाना तो कोई नहीं, इतनी मेहनत नहीं करेगा तो बच्चों को फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं वो विजय भारद्वाज जी ट्राइविजन वाले दे रहे हैं, उसका बहुत जितना इनको तारीफ करी जाए उतनी कर सकते। कोई मतलब ये नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चे नहीं है जो पहले से ट्रेंड है कहीं का, बिल्कुल वो लागे हमने बैच, आप जितने शो देखते हो आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि बच्चा फ्रेश है। ये बच्चा वो सारे वो डांस फॉर्म भी जानता है, सारी एक्टिंग भी जानता है, लेकिन आप इन बच्चों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो वो बिना किसी मकसद के हमको कोई चीज़ दे रहे हैं, आगे प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं। और बाकी सतमोला इनका जो बच्चों का बूढ़ हत्या का प्रोग्राम आया उसमें भी मैं जुड़ा हूँ उनके साथ आगे। ये मेरे तो और भी कोई हेल्प मांगेंगे उन बच्चों के लिए तो हमारा ग्रुप हमेशा उनके लिए तैयार है।
विजय सर आपसे एक क्वेश्चन है, लाइक अभी आपने ऑर्फन हाउस के बच्चों को इसमें पार्ट बनाया है, तो आपको कहीं लगता है कि वो लैकिंग है, उनको मौका नहीं मिलता और जगह काम करने का या बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको अपना नाम कमाने का, इस वजह से आपने ये चीज़ निकाली है?